Any topic you want to revise is chromatography and crystallization or bus? Wow, chalo. फिर सारी सेपरेशन टेक्निक्स डिस्कस कर लेते हैं. So let's start with crystallization firstly. Crystallization method is used in order to make the crystals of any substance. ठीक है, किसी भी चीज के हमने जब प्योर क्रिस्टल्स बनाने हैं तो हम इस मेथड को यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. राइट, आपके पास कोई इम्प्योर सैंपल दिया होता है, लाइक इफ यू आर गिवन इम्प्योर कॉपर सल्फेट, यू ऑल हैव सीन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ब्लू कलर के होते हैं. ठीक है, इम्प्योरिटी कोई इसमें चीज एड हो सकती है, उस टर्म से हम इम्प्योरिटीज कहते हैं. नहीं तो कई बार जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं, आप देख सकते हो कि जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं. एलम है, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, किसी के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, फाइन क्रिस्टल्स बनते हैं. ठीक है, आप जब एलम को तोड़ देते हो, डैट मीन्स जो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो भी टूट जाता है, उसका अपना जो एक क्रिस्टल वाला स्ट्रक्चर है ना वो टूट जाता है. ओके, नाउ इफ आई वॉन्ट कि वो दोबारा अपना वही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा रिकवर करे, वो भी एक तरह से इम्प्योर ही है आपका. ठीक है, जब आप किसी की ज्योमेट्री चेंज कर रहे हो, कोई उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, दे ऑल आर एक्चुअली मेकिंग दैट सब्सटेंस इम्प्योर. ठीक है, अब मैंने इसको प्योर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो इम्प्योर सैंपल है इसके क्रिस्टल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल ऐड वाटर, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेंगे और उसमें इसको डिसॉल्व करना शुरू करेंगे. ठीक है, थोड़ा सा वाटर लेना है, उसमें इसको डिसॉल्व करना शुरू करना है. एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. आपने उसको हीट करते जाना है और उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक आपका जो पीछे है थोड़ा सा रेजिड्यू रहना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, थोड़ा सा उसको और वार्म करके हमने वो सारा इजिली डिजोल्व करवा लेना है. ठीक है, एक क्लियर सॉल्यूशन लेना है, उसमें आप ऐड कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज. ठीक है, अनवांटेड इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं ताकि हमारे पास एक क्लियर सॉल्यूशन बने. ओके, देन यू हैव टू हीट इट टिल इट्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. ठीक है, फिर आपने इसको कूल डाउन कर लेना है, ठंडा कर लेना है, फिल्टर करके साथ में इसको ठंडा कर लेना है. ओके, फिल्टर कर लेना है हमने इसको, जो इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन आया है यू विल बी फिल्टरिंग इट and you will be collecting it in a separate beaker. तो इसको आपने थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए या आधे दिन के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है. ठीक है, सो विद द कूलिंग प्रोसेस जितना ज्यादा आप उसको कूल करने को टाइम दोगे, ठंडा होने को टाइम दोगे, उतने ही अच्छे आपके क्रिस्टल्स बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्रिस्टल्स हैं वो अलग हो जाएंगे आपके. ठीक है, ऐसे अटैच ही होते हैं सारे एक सॉलिड की फॉर्म में. ठीक है, और पीछे आपका एक मदर लीकर रह जाएगा. ओके, पीछे क्या रह जाएगा, पानी पानी रह जाएगा, मदर लीकर रह जाएगा, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं. ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो प्योर सब्सटेंस के ही बनते हैं. ठीक है, इम्प्योरिटीज जो है वो किस में चली जाएंगी, मदर लीकर में चली जाएंगी. ओके, नाउ व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर, सब्सटेंस डीकम्पोज नहीं करती है, प्लस इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे मैंने आपको बताया कि वो साइड में निकल जाएंगी, दैट दे विल नॉट बी इंटरफेयरिंग विद योर मेन कंपाउंड. ठीक है, वो मेन सब्सटेंस के साथ या मेन कंपाउंड के साथ इंटरफेयर नहीं करती हैं, वो एक साइड पे निकल जाती हैं, बट इवेपोरेशन में वो वहीं पे रहेंगी. ठीक है, अगर आपका वाटर जो है वो इवेपोरेट कर भी जाएगा, एंड इफ यू आर हैविंग एन इम्प्योरिटी दैट इज एक्चुअली नॉट नॉन वॉलेटाइल, दैट इज एक्चुअली नॉट वॉलेटाइल. ठीक है, तो वो नहीं उड़ेगी, दैट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वो वही आपकी सब्सटेंस के साथ अटैच्ड रहेगी. ओके, सो दिस इज अबाउट द क्रिस्टलाइजेशन मेथड. सेकंड इज क्रोमैटोग्राफी. सो दिस वर्ड इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड क्रोमा. क्रोमा से इस वर्ड को हमने डिराइव किया है, जहां पर क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर.
ठीक है, तो हम इस टेक्निक में उस सब्सटेंस के जो हमें चीज दी हुई है हम उसके कलर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. ओके, सो इन ऑर्डर टू सेपरेट द कलर्स ऑफ एनी सब्सटेंस वी यूज द क्रोमैटोग्राफी मेथड. ओके, सो हेयर यू कैन यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई, कॉम्पोनेंट्स ऑफ डाई हो गया, फ्लावर्स के पिगमेंट्स को हमने सेपरेट करना है, स्पिनेच के कॉम्पोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है. ठीक है, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द मेथड ऑफ क्रोमैटोग्राफी. नेचुरल फ्लावर्स, नेचुरल फ्लावर्स में से जो कलर्स हैं उनको सेपरेट करना है. ठीक है, तो नेचुरल कलर्स को हम सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, क्रोमैटोग्राफी. करना क्या है बेटा, हमने इसमें एक फिल्टर पेपर लेना है. ओके, यू हैव टू मार्क द प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस. जो सॉल्वेंट में आपने इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है, किसी भी एक सॉल्वेंट को चूज कर लेना है हमें. ठीक है, जिसमें सारे के सारे फेज जो है वो सॉल्युबल आते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो आपने सॉल्वेंट लेना है वो देख के लेना है हर एक के लिए, जिसमें ये सारी चीजें क्या कर जाए, डिजोल्व कर जाए. सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स डिजोल्व होने चाहिए उसे एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट. ठीक है, जैसे कईयों के लिए हम वाटर यूज करते हैं, कईयों के लिए हम एसीटोन यूज कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म एज अ मीडियम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हर एक सब्सटेंस के लिए हमने देख के सॉल्वेंट लेना है. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द डाई, आई विल बी टेकिंग इट सॉल्यूशन इन वाटर, क्योंकि वाटर में वो सारे कॉम्पोनेंट सॉल्युबल हो जाते हैं. ठीक है, फिर हमने उस सॉल्यूशन का एक स्पॉट यहाँ पर लगाना है. ओके, देन वी हैव टू प्लेस इट इन द ग्लास जार. तो इस ग्लास जार में हमने इसको रख देना है, जिसमें हमने क्या लेना है, वी विल बी टेकिंग सम ऑफ द वाटर एज सॉल्वेंट. ठीक है, मैं थोड़ा सा, जिस सॉल्वेंट में वो सारे सॉल्युबल होंगे हमने वही सॉल्वेंट लेना. ठीक है, सारे कंपोनेंट सॉल्वेंट. तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया, देन कवर इट फॉर सम टाइम. ठीक है, कुछ देर के लिए इसको आपने रख देना है. आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि ये जो एक सिंगल कलर था अब वो नंबर ऑफ कलर्स में क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा. ठीक है, तो ये एक जो सिंगल कलर की स्ट्रिप थी आपके पास यहाँ पर, इट विल बी नाउ डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कलर्स आए हैं, दे विल बी शोइंग इट्स कॉम्पोनेंट्स. ओके, तो कंपोनेंट्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, या जैसे यहाँ पर येलो कलर का हो सकता है, दिस विल बी रेड, ऑरेंज, ग्रीन, एनी कलर, ब्लू. तो जो कंपोनेंट ज्यादा ऊपर तक ट्रेवल किया, दैट मींस वो उस सॉल्वेंट में ज्यादा क्या था, सॉल्युबल था. ओके, सो दिस टेक्निक इट ऑल्सो गोन्स अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट. ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो आपका कंपोनेंट है वो कितना सॉल्युबल है, जितना सॉल्युबल होगा वो उतना ही सॉल्वेंट के साथ क्या कर जाएगा, राइज करेगा. ठीक है जी, एनीथिंग एल्स इन दिस टेक्निक. एसीटोन का जैसे आप स्पिनिश में भी प्रिपेयर कर सकते हो, वो सॉल्वेंट चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड. ठीक है, कि उसके कॉम्पोनेंट किस सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, तो वो हमें कंपाउंड के विद रिस्पेक्ट टू देखना पड़ता है, दैट व्हाट सॉल्वेंट वी विल बी प्रेफरिंग फॉर. ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सॉल्वेंट्स होंगे आप, राइट. ठीक है, हाँ जी, और कुछ क्रोमैटोग्राफी में समझ आ गया, राइट. तो ब्लड को अगर सेपरेट करना है, ब्लड को नहीं, सॉरी, यूरिन को, यूरिन के सैंपल्स को अगर आपने सेपरेट करना है, ठीक है, ड्रग्स को अगर आपने सेपरेट करना है फ्रॉम द ब्लड, सो दीज टेक्निक्स दे कैन बी एम्प्लॉयड. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ डाई हो गया, फ्लावर्स हो गए, स्पिनेच हो गए, नेचुरल कलर्स को, किसी भी चीज में से किसी के नेचुरल कलर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, देन आल्सो यू कैन यूज दिस टेक्निक. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. पहले तो मेन सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, वेरी गुड,
दोनों जो है सबसे पहले ये मिसिबल लिक्विड्स के लिए हम यूज करते हैं, जहां पर हमारे दोनों लिक्विड्स क्या है, मिक्स्ड है, दे बोथ आर यूज फॉर द मिसिबल लिक्विड। सेकेंडली दोनों का मेन फिनोमिना सेम है, डैट मीन्स दे आर बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों के दोनों प्रिंसिपल जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है। ओके, तो हम दोनों जो लिक्विड्स हैं उनका क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। अब डिस्टिलेशन कब चेक करते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कब कन्वर्ट होते हैं, जब ये बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 25 केल्विन या डिग्री सेल्सियस होता है, देन वी विल बी एम्प्लॉइंग द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। और अगर ये बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, then we will be employing the fractional distillation। ठीक है, fractional distillation का method जो है वो बहुत ज्यादा industrial purposes के लिए हम use करते हैं, जहां पर हमने petroleum की refinery करनी होती है। ठीक है, air में से जो उसके components हैं, nitrogen है, argon है, उनको separate करना है। ठीक है, तो ये main scale या large scale वाला जो है process है fractional distillation। okay, बाकी दोनों का सेम है कंपोनेंट या दोनों का प्रोसीजर जो है वो सेम है। क्या करना है हमने इसमें, वी विल बी टेकिंग टू लिक्विड्स, उन लिक्विड्स को हमने क्या करना है, हीट करना है। हीट होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स। उन वेपर्स को हमने क्या कर लेना है, ठंडा कर लेना। पहले मेरे पास एक आ जाएगा, फिर मेरे पास दूसरा आ जाएगा। अगर एक भी निकल गया तो दूसरा तो पीछे रह जाना है डिस्टिलेशन फ्लास्क में। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा प्रोसेस फास्ट करना पड़ेगा, होना तो इसमें भी वही है, वेपर्स बनेंगे। ठीक है, उनको हमने कंडेंस कर लेना है, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, बट द प्रोसेस इज फास्टेंड। नाउ हाउ इट इज फास्टेंड, बाय एडिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इसमें हमने क्या ऐड करना है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हमारे पास क्या होते हैं, वी आर हैविंग ग्लास बीड्स। और ये ग्लास बीड्स क्या करते हैं, बीड्स हैं, तो दे एक्चुअली इंक्रीज द सरफेस एरिया टू द वेपर्स। वो उन वेपर्स को ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा जल्दी क्या कर जाते हैं, कूल कर जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और इमिजिएटली कलेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर, और कुछ, चैरिंग। चैरिंग इज डीकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमने उनको कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं करना है, वी विल बी हीटिंग देम इन द वाटर बाथ। यानी कि पानी लिया है एक कंटेनर में और उसके बीच में हमने उसको रखना, ये इनडायरेक्ट हीटिंग का वे होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है जब आप उनको डायरेक्टली हीट करते हैं। ओके, अल्कोहल ऑर्गेनिक है, कभी भी हीट नहीं करना है अल्कोहल को डायरेक्टली। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि उड़ जाते हैं, जैसे आपके सैनिटाइजर्स वगैरह हैं, खुला रखोगे तो उड़ जाएंगे, बिकॉज दे आर हैविंग द अल्कोहल कंटेंट, तो पीछे पानी पानी रह जाएगा, अल्कोहल जो है वो उड़ जाएगा। एसीटोन्स एंड नेल पेंट रिमूवर है। ठीक है, नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन्स यूज होते हैं, अगर आप उसको बहुत देर तक खुला रखते हो तो वो बॉटल बिल्कुल एम्प्टी हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर एक्चुअली हैविंग वेरी वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, तो इसीलिए हम इनको यहाँ पर यूज करते हैं। ऑयल नहीं आता, ऑयल नहीं वेपराइज होगा। ठीक है, तो मेन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसीजर ही हम इनके लिए करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट का फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके बहुत कम होते हैं। ठीक है, 56, 65, दीज आर वेरी लो लो बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, वाटर का फिर भी 100 है, 100 पे जाके बॉयल होना शुरू होगा, और इनका तो देखो कितना कम है, 65 है, 56 है एसीटोन एंड एल्कोहल का। ठीक है जी, तो डायरेक्ट हीटिंग नहीं करनी है हमने इनकी, इनडायरेक्ट हीटिंग करनी है, क्योंकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो डीकम्पोज हो जाते हैं, एंड दैट डीकम्पोजिशन इज नोन एज चैरिंग, जिसमें मैंने आपको शुगर की एग्जाम्पल दी है कि शुगर को जब आप बहुत ज्यादा हीट करते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, डैट इज एक्चुअली द चैरिंग, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, एनीथिंग एल्स बेटा, हो गया क्लियर? चलो अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं थोड़े से, सो राइट डाउन
कंसेंट्रेशन का एक न्यूमेरिकल लिखो और मुझे आंसर बताओ इसका. What volume of ethyl alcohol? What volume of ethyl alcohol and water? What volume of ethyl alcohol and water must be mixed together? What volume of ethyl alcohol and water should be mixed together in order to prepare in order to prepare 250 ml of in order to prepare 250 ml of 60% by volume of 60% by volume of alcohol in water. I am repeating the question. What volume of ethyl alcohol and water must be mixed together to prepare 250 ml of 60% by volume of alcohol in water? Chali, give me the answer. क्वेश्चन लिख लिया हुआ है सबने? सो 150 ml इथाइल अल्कोहल यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? एज सॉल्यूट. ठीक है, तो हम सॉल्यूट की जो वॉल्यूम है, क्योंकि हम अपने वॉल्यूम में बात कर रहे हैं, वो ठीक है मास नहीं गिवन है, तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं. तो वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल वी विल बी राइटिंग डाउन हेयर ओवर वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम लेंगे. टोटल वॉल्यूम आपको कितनी दी हुई है उन्होंने सॉल्यूशन की? 250 ml. ठीक है, कितना परसेंट सॉल्यूशन बनाना है? 60% है, तो यानी कि वी विल बी मल्टीप्लाइंग हियर विद दी 100 आल्सो. ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल. लेट इट बी एक्स. ठीक है, तो वेन यू फाइंड आउट दी एक्स, so 16 to 5 by 2, that is going to give you 150 ml. ठीक है, so 2 3 is 6, 30 आ जाएगा. 30 into 5 is 150 ml. okay, now write down the next one. You have to tell the separation techniques that how you will be separating different components. Just raise your hands. Sodium chloride from its solution in water. Sodium chloride from its solution in water. NaCl का पानी में solution है, कैसे separate करोगे? बेटा ये तो छोटी classes से आप पढ़ के आते हो techniques. हाँ जी, second X. Very good. Evaporation. Ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. Eva. Small pieces of metal in the engine oil. हमने कल भी discuss किया था. In order to separate tea leaves from tea, wheat grains from husk. Wheat grains from the husk. Wheat grains को separate करना है. आपने method ही पढ़ा नहीं हुआ कि जो husk हैं वो lighter particles होते हैं and they can be removed with the help of wind. तो winnowing का method हम use करते हैं.
ठीक है, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वॉटर. फाइन मड पार्टिकल्स उन्होंने कहा है फाइन. फाइन का मतलब क्या होता है? जो डिसॉल्व नहीं करते हैं, जो सेपरेट नहीं होते हैं, या जो सेटल डाउन नहीं करते हैं. कल मैंने आपको जब वाटर प्यूरिफिकेशन कर रहे थे उसमें एक सेपरेट टैंक बताया था. फिल्टर तो होंगे नहीं, बहुत पतले हैं, निकल जाएंगे फिल्टर पेपर में से. सो यू विल बी एम्प्लॉइंग द मेथड ऑफ लोडिंग. फाइन मड पार्टिकल्स हैं, बहुत पतले मड पार्टिकल्स हैं डेट आर एक्चुअली सस्पेंडेड इन वॉटर. तो मैंने कल बताया था ना एलम के बारे में, तो एलम को यूज करेंगे इन ऑर्डर टू मेक देम हैवियर. फिर वो क्या कर जाएंगे? सेटल डाउन कर जाएंगे. ठीक है, टू सेपरेट द बटर फ्रॉम कर्ड, टर्निंग टर्निंग और सेंट्रीफ्यूगेशन दोनों सेम है. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. Which of the following materials they fall in the category of pure substance? You can write down the options. Ice, milk, iron. This is the first one. Pure substance batana hai aapne isme se kaun se hai. Iron, calcium oxide, air. Iron, calcium oxide, air. Brick, mercury, wood. And the last is calcium oxide, carbon dioxide, sodium chloride. Which of these fall in the category of pure substance? The last option is calcium oxide, carbon dioxide and sodium chloride. ठीक है, so they all are pure substances. Next, write down. Which of the following is an aqueous solution? Which of the following is an aqueous solution? What are aqueous solutions? So the solutions that are actually prepared in water. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड. ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आयोडीन इन अल्कोहल, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड. Iodine in carbon tetrachloride, iodine in carbon tetrachloride, आप देखो आपको एक्वस का मीनिंग पता है, तो डेट इज वेरी वेरी मच क्लियर फ्रॉम दी ऑप्शंस. एक्वस का मतलब ही क्या होता है? पानी. ठीक है, तो पानी में कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है हमने? ये वाला. ठीक है जी, नाउ राइट डाउन. Assertion reasoning questions likhiye. And you have to send your assignments by Friday. Okay, now understand firstly the assertion reasoning questions, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये questions गलत करते हैं. मैंने पहले भी बताया हुआ है. You are given 4 or 5 options. ठीक है, ऊपर लिखा होता है assertion reasoning question. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लिखा होता है. ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. या आपको कह देते हैं कि बोथ ए एंड आर ट्रू. ठीक है, कि दोनों ट्रू हैं और जो assertion का रीजन है वो भी सही है. इट इज द प्योर एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन. एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए.
या आपको ये कह देते हैं दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट करेक्ट. अब आपका जो आंसर है वो इनमें से देना है आपको. यू हैव टू गिव योर आंसर्स फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स. ठीक है, पहली बात. अगर आपको कोई assertion पूछा होता है, reason पूछा होता है, ये नहीं है कि आपने अपना आंसर यहाँ पे लिखने बैठ जाना. नो, यू हैव टू सी द assertion, यू हैव टू सी द रीजन एंड देन यू हैव टू चूज फ्रॉम दीज फोर और फाइव options कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है. बेस्ड ऑन दिस assertion, बेस्ड ऑन दिस रीजन, वट कैन बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दीज. अब लिखो एक क्वेश्चन. Collidal particles can be separated by centrifugation method. Collidal particles can be separated by the centrifugation method. पेपर में चर्निंग भी लिखा हो सकता है. ठीक है, तो दोनों सेम है, ये नहीं कहना कराया नहीं है. रीजन, इट इज सो बिकॉज collidal solution, when collidal solution, it is so because when collidal solution is spun rapidly, when collidal solution is spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom. The denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay at the top अब आपको एक assertion दे दिया है, अब आपको उसका reason भी बता दिया है. Now you have to decide whether A is false, R is true. तो आप पहले के साथ जाओगे. ए ट्रू है, आर फॉल्स है, तो आप सेकंड वाले के साथ जाओगे. ठीक है, दोनों ट्रू है और सारा कुछ सही है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो आप थर्ड वाले के साथ जाओगे. अगर ए और आर दोनों ट्रू हैं बट आर की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें सही नहीं लगी है, देन यू विल बी गोइंग विद द फोर्थ वन. नाउ व्हाट यू विल चूज थर्ड ऑप्शन. नाउ रीड द assertion क्लियरली फर्स्टली. Collidal particles can be separated by centrifugation method. अब उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि centrifugation method तो हम लगाते ही collidal particles के लिए हैं. ठीक है, so A is true. A true यहाँ पर भी कह रहा है, यहाँ पर भी कह रहा है, यहाँ पर भी कह रहा है. ठीक है, अभी भी हमारा option clear नहीं है. अब reason पे चलते हैं. ठीक है, for the reason part they are saying कि collidal solutions को हम spun करते हैं rapidly, घुमाते हैं, rotate करवाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, सॉरी, जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं. तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है. कोलाइडर पार्टिकल्स की भी बात कर दी है उन्होंने और सेंटिफिकेशन मेथड की भी बात कर दी है. तो जो उन्होंने असर्शन में दोनों चीजें मेंशन की थी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे दी है. सो वी विल बी यूजिंग. ठीक है, नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन. Assertion लिखिए. A mixture contains more than one substance. A mixture contains more than one substance. A mixture contains more than one substance mixed in. Any proportion, write down the reason. Mixtures can be separated into pure substance using appropriate separation techniques.
यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स. जस्ट रेज योर हैंड्स. Only one. Lovely, na? So you are saying fourth one. पहले दोनों read करो. Assertion भी true है. Assertion में वो क्या कह रहे हैं कि मिक्सचर्स जो हैं वो दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का क्या होते हैं, एक मिक्सचर है, ठीक है, जिनको हम एनी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं. डेफिनेशन हो गई मिक्सचर्स की. सेकेंडली कहते हैं कि मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं. यस, वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स. तो ये भी सही है, ठीक है. बट एक में वो बात कर रहे हैं मिक्सचर्स की, दूसरे में वो आगे हैं सेपरेट करने की. तो दोनों मिले नहीं ना, दोनों का जो रेफरेंस है वो दोनों का सेम नहीं आ रहा है. असर्शन में वो कुछ और कह रहा है, रेफरेंस में वो कुछ और कह रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज दोनों ट्रू हैं, बट एक्सप्लेनेशन पॉइंट से हमें अच्छा नहीं लगा, हमें नहीं ठीक लगी उसकी एक्सप्लेनेशन. ओके, सो इट्स आंसर इज फोर्थ.